How to write small letter s s for sun, or you can say s for sunflower, s for shoe, s for showy flowers. Okay, so students, firstly open your English notebook, write down classes, then s for sun, draw the picture of sun. Okay, here you can draw the picture of a squirrel. तो चलिए अभी हम देखते हैं s letter किस तरह लिखते हैं. तो students, आपकी जो फोर लाइन नोटबुक है उसमें जो टू लाइन होती है मिडल, वो इस्तेमाल करके हमें ऐसे लेटर लिखना पड़ता है. इस तरह से आपको लिखना है, कहना है एस फॉर सन, बिकॉज यहाँ पे सन का पिक्चर है. एस फॉर सन, एस फॉर सन, इस तरह से लिखना है मिडल लाइन में ही. एस फॉर सन, एक तो ऊपर नहीं लिखना, नीचे भी नहीं लिखना है, बीच वाली. और अगर किसी की थ्री लाइन की नोटबुक होगी, सिर्फ थ्री लाइन होगी, तो भी आपको नीचे की लाइन में लिखना है. ओके, ऊपर की लाइन यू करनी है, वन लाइन. देख, अभी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इस तरह से कहेंगे एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, ऐसे कहते हो आपको लिखना है एस फॉर सन, 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 ऐसे कहते हुए आपको स्मॉल यस लिखना है. ठीक है, स्मॉल एस, एस फॉर सन कहना है. ये आपको क्लास वन पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स नोटबुक में. अभी हम टेक्स्ट बुक में मीन्स किताब में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 42. देर आर एस लेटर, एस फॉर स्क्विरल, हियर आर स्क्विरल पिक्चर, दैट वाई यू कैन से एस फॉर स्क्विरल. ओके, देखिए यहाँ पे एस हमें ट्रेस करना है डॉटेड लाइन को, इस तरह से कहना है आपको एस फॉर स्क्विरल, क्योंकि यहाँ पे स्क्विरल है, यहाँ पे एस लेटर ऑलरेडी दिया है. एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, या आप स्क्विरल ना कहते हुए सन भी कह सकते हैं. ओके, सेम राइट, कहो लिखो इस तरह से ट्रेस करना है, कहना है एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल. देखिए फोर लाइन की मिडल जो लाइन है टू, उसमें एस लिखा है, वैसे आपको नोटबुक में भी लिखना है एस फॉर स्क्विरल, 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 ऐसे कहते हुए आपको लिखना है स्टूडेंट्स. एस फॉर स्क्विरल, 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 यहाँ पे भी हम अभी ट्रेस करेंगे, लिखेंगे एस फॉर स्क्विरल, 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 ऐसे कहते हो आपको पेज नंबर 42 कंप्लीट करना है स्टूडेंट. ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे भी आपको राइट डाउन करना है, लिखना है. नेक्स्ट जो पेज नंबर है 43, वहां पे दिया है एस लेटर, कहना है आपको एस फॉर स्क्विरल, और लिखना है एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, एस फॉर स्क्विरल, यहाँ पे भी राइट डाउन करेंगे एस फॉर स्क्विरल, 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 एस फॉर स्क्विरल. देखिए मैं जैसे लिख रही हूँ कह रही हूँ वैसे आपको लिखना है और कहना है, ताकि आपको समझ में आए आपने क्या लिखा है. एस फॉर स्क्विरल, ऐसे कहना है और लिखना है एस फॉर स्क्विरल, 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 ऐसे कहते हो कि पेज जो है कंप्लीट करना है आपको पेज नंबर 43. तो उसमें देखिए क्वेश्चन दिया है मैच द लेटर विद द करेक्ट पिक्चर, यहाँ लेटर दिया है एस सी एन एफ, यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, हमें मैच करना है. जैसे यहाँ पे एक दिया है फॉर एग्जांपल सी फॉर कैविटी है कैट, इस तरह मैच किया हमने सी फॉर कैट. ओके, देन यहाँ देखिए एस है, तो एस फॉर हम सन को अभी मैच करेंगे इस तरह से. देन यहाँ एन है, एन फॉर नेकलेस, एंड एफ एफ फॉर फिश, इस तरह से आपको मैच करना है स्टूडेंट्स. ठीक
ठीक है, नोटबुक में भी पिक्चर ड्रॉ करने हैं, मैच करने हैं, टेक्स्ट बुक में भी मैच करने हैं। तो आपको जो है पेज नंबर 42 ये कंप्लीट करना है, किताब में एस ए लेटर लिखना है, स्मॉल एस, और साथ में पेज नंबर 43 भी आपको कंप्लीट करना है, यानी किताब के 42 और 43 दोनों पेज कंप्लीट करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। अभी हम होमवर्क देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क जो है आपको नोटबुक के नेक्स्ट पेज पे करना है, जहां आपने क्लास वर्क किया उसके नेक्स्ट पेज पे, आगे वाले पेज पे 4 पेजेस होमवर्क करना है, एस लेटर लिखना है, सन का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, तो इस तरह से आपको एस फॉर सन लिखना है और कहना है, एस फॉर सन ऐसे कहते हो। आपको एस लेटर लिखना है, या पेरेंट्स आप सबके साइड में लिख के दे सकते हैं। स्टूडेंट देख के नीचे कॉपी करेंगे, ये होमवर्क आपको 4 पेजेस कंप्लीट करना है, 4 पन्ने। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, एस फॉर सन जैसे मैं लिख रही कह रही हूँ वैसे आपको लिखना है, कहना है स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ में आएगा आपने क्या लिखा है। ओके, एस फॉर सन ऐसे कहते हो, ऐसे लेटर लिखना है आपको, 2 लाइन में ही, बीच मिडल लाइन में, एस फॉर सन ऐसे कह जाएगा आपको। एस स्मॉल एस ए जो है होमवर्क में 4 पेजेस कंप्लीट करना है, क्लास वर्क में 1 पेज, यानी नोटबुक में आपको टोटली 5 पेजेस पे एस ए लेटर लिखना है, स्मॉल एस, एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42-43 पे कंप्लीट करके उसकी फोटोज भी मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा है हाउ टू राइट स्मॉल एस, ओके, इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक, देन कैप्चर फोटो ऑफ योर होमवर्क एंड सेविंग। ओके, तो आपके फोटोज निकाल के मुझे सेव करने हैं। नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।